तो मेन चीज है निहारिका को थोड़ा करना पड़ेगा एक्सीलेटर में कंट्रोल, थोड़ा स्टीयरिंग में कंट्रोल। निहारिका एक टॉपिक आती है, दिखाओ कौन सी टॉपिक है। ये क्या है ना, ये टॉपिक आती है जेली वाली स्टेबली फ्लेवर। तो उसके लिए मैंने मंगाया था बड़ा पैकेट। तो आज क्या बोलती है कि वो पैकेट खत्म हो गया, लास्ट की तीन टॉपिक बची। मतलब 100 क्वांटिटी टॉपिक के पैकेट, 100 नहीं थी 50 थी। हाँ 50 थी, 10-15 वही टॉपिक आ गई। इसका ये हाल है। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज क्या है, तुरंत सुबह जैसे ही उठाऊँ सीधे नहा के सीधे क्या बोलते हैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। मैंने कहा कि अगर हम लोग उधर जो फील्ड है, हम लोग कल गए थे ना, वो फील्ड थोड़ा ख़राब टाइप का था, गड्ढे गड्ढे आ रहे थे। उस साइड जो फील्ड है बच्चे खेले थे, क्योंकि बच्चे आएंगे देर में करीब दिन के 2 बजे खेलने के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना पहले हम ही लोग लगा के हथियार लें उस फील्ड को, और निहारिका को वहीं जाके कार सिखाऊँ थोड़ा। अभी क्या है, 2-3 दिन से फील्ड में जरा ट्रेनिंग दे दूँ ना, कि एक बार एक्सीलेटर में कंट्रोल कर लेगी तो कोई गलती नहीं करेगी गाड़ी चलाते वक्त रोड पर। फिर मैं थोड़ा बहुत इस सर्विस रोड पर भी सिखा सकता हूँ। तो अभी देखिए आज सुबह धूप भी जल्दी निकल गई, अभी बजे हैं मॉर्निंग के करीब 11:15 के करीब बजे हुए। तो पूरी धूप भी निकल गई है और मौसम भी अच्छा है। मे भी वो बच्चे क्या होता, अभी खेलने आए हो, खेलने आए होंगे तो फिर दिक्कत है। अगर नहीं आए होंगे खेलने तो सही है, निहारिका आराम से गाड़ी चलाना सीख लेगी थोड़ा थोड़ा। ये आधे आधे घंटे भी अगर रोज़ ट्रेनिंग मिलेगी तो 1-1.5 महीना लगेगा सीखने में। चलिए आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं इसकी। सुबह से आ गए जल्दी, मतलब अभी जबकि धूप निकली थी, धूप निकलते हो तुरंत आ जाते हैं, तो अंधेरा होगा तो वापस आएंगे, उनके हालात ये हैं। तो अच्छा स्कूल में छुट्टी है वैसे भी, तो वहाँ मतलब एक भी नहीं, 4-4 टीमें बनती हैं, 4 टीमें मतलब 4 जॉब है, वो लोग खेलते हैं तो पूरा ग्राउंड पूरा घेर लेते हैं और चारों फील्डर लगे रहते हैं। तो कभी क्या हुआ कि निहारिका घबरा गई, तो अब निहारिका को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ मैं रोड पर। एक गली आती है हमारे ठीक सामने से, ट्राई करते हैं इसमें जाके, अगर यहाँ से चला लीजिए थोड़ा थोड़ा रोज़ इसमें ट्रायल कर लेंगे, क्योंकि बच्चे तो रोज़ आ ही जा रहे हैं नहाने कहाँ कहाँ से खेलने के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे है वो रोड, देखिए छोटी सी, इसके किनारे किनारे नहर भी है। ये इस रोड में ट्रैफिक अमूमन बहुत कम रहता है, तो मैं इसी में निहारिका को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ। क्लच को दबा के दबाई रखोगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। हाँ, क्लच आपसे पूछ ही तो रहे। हाँ बस ठीक है, इधर की ओर को चलाओ थोड़ा। हाँ हम तो सोच रहे उधर की ओर, नहर दिख नहीं है। नहर की ओर को, यहाँ से मिट्टी में चल जाएगी ना तुम्हारी गाड़ी। हाँ बस सीधे सीधे रखो स्टेरिंग अप, ठीक है। मेरे को तो खुद ही को डर जाएगी भगवान। चलो तो भगवान का नाम लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज निहारिका चला रही है रोड पर गाड़ी। हाँ ये पूरा नहीं मोड़ना है, हल्के से ना मुड़ जाती है गाड़ी, ठीक है, पूरा मोड़ने की जरूरत नहीं। चलो ये वाली ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी है रोड वाली, रोड में कम से कम चलाना सीखोगी तुम। हाँ डरने की जरूरत नहीं, आराम से चलाओ, इधर को मोड़ो हल्का सा। हाँ ये तुम जहाँ को देखो गाड़ी वहाँ को जाएगी, गाड़ी की खासियत होती है आदमी ड्राइवर जहाँ को देखता है गाड़ी वहीं की ओर को जाती है हमेशा, क्योंकि ये इशारे से भी चलती है ना, आदमी के हाथ अपने आप काम करते हैं इसमें। इस साइड में क्योंकि मेरे को डर इसलिए लगा कि उस साइड है नहर पूरी की पूरी पानी की, बीच में रोड है, सिर्फ कार ले आने लायक रोड है, इससे ज़्यादा चौड़ी है रोड ही नहीं है। अगर सामने से कोई गाड़ी भी आती है तो फिर इसमें क्या है, बैक करके जाना पड़ेगा। मैं कभी कभी मॉर्निंग वॉक जब करने आता हूँ तो मैं इसी रोड में दौड़ लगाता हूँ। हमारी सोसाइटी है वो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उधर हमारी सोसाइटी है, इधर खेत है जो मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी से। तो ये जो रास्ता है तो बिल्कुल ही प्रिय है, बिल्कुल पास में, बस ये कि थोड़ा सा ख़राब है लेकिन गाड़ी सीखने के लिए ठीक है। तो Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. नहर की ओर मत देखो, सामने रोड की ओर देखो ना, नहर में क्यों देख रही हो? रोड के पास ही में तो नहर है, नजर पड़ी जा रही है, नजर पड़ी जा रही है, डर के मारे ऐसा डरना नहीं है। हाँ गाड़ी चलाना सीख लोगी तुम, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है बस, हो गया बाकी क्या है, रोड रोड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तुमको 15-15-20 मिनट के घंटे की, वरना वो ड्राइविंग स्कूल ऐसे लगा ले हमारे साथ डर लग रहा है तो। नहीं 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 वहाँ तो हम और नहीं सीख पाएंगे। उसके पास दोनों साइड ब्रेक होते हैं ना गाड़ी में।
टाइल लिख के तो एटलीस्ट निहारिका चला रही है अभी, देखिए गाड़ी यहाँ से मोड़ेगी खुद ही। अभी मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ हैंड ब्रेक पर रखा हुआ है। अगर आप भी सिखा रहे हैं गाड़ी तो हैंड ब्रेक पकड़ के रखिए, बस बाकी कुछ नहीं है। देखो कि अभी गाड़ी की इतनी स्पीड नहीं है कि कहीं जाएगी। देखो देखो भैया, हाँ बस सीधा करो, हाँ सीधा करो, सीधा करो बिल्कुल एकदम से, हाँ बस ये तो ऑलमोस्ट से थोड़ा बहुत तो डांस ठीक गई है, मतलब लगेगा अभी टाइम थोड़ा बहुत। कितना टाइम लग जाएगा अगर डेली सीखे तो? तो वैसे मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है कि सीख जाएगी, लेकिन थोड़ा झोल झाल वाली भी है ना, इसका हिसाब किताब समझ नहीं आता कभी भी। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. सेकंड गेट आ रहा था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो रोड थी हम लोग गए थे पीछे बैक, करीब बैक गए थे, करीब 4.5 किलोमीटर है लंबाई इसकी, मतलब टोटल वहाँ तक। फिर 4.5 किलोमीटर वापस आना है तो टोटल 9 किलोमीटर का, मतलब इसका रोज़ का ट्रेनिंग शेड्यूल हो जाएगा। अगर मैं इसे पर डे मतलब इसी रोड में गाड़ी से यहाँ से जाता हूँ तो इससे क्या होगा कि ये रोड बहुत नैरो है तो एकदम से हाथ भी सेट हो सकता है। तो एक बार ट्राई करते हैं। अभी क्या हुआ कि एक्चुअली इसे अभी वो नहीं आ रहा है ना गियर बदलना, तो उसे गियर बदलना सिखाना है। तो एक बार उसे एक बार ग्राउंड में लेके आना है ताकि इसे गियर चेंज करना आ जाए। क्योंकि अगर मैं डाल रहा हूँ उसे बोल रहा हूँ कि सेकंड गियर डाल, तो ये क्या कर रही है कि थर्ड गियर डाल रही है, कभी फोर्थ गियर डाल दे रही है। तो अभी इसको एक बार इसमें हाथ सेट करना पड़ेगा। बाकी अभी बस ये है कि स्टीयरिंग कंट्रोल करना भी थोड़ा बहुत सीख गई है, देखते हैं धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। ऐसे देखिए पानी ऐसे ही है किनारे, ये नाली के किनारे वो देखो कछुआ ऊपर को मुंडी करके बैठा हुआ है, यूँ करके धूप में खाली मुंडी बाहर निकाली हुई है उसने। देखा जो अचार रेडी किया था लाल मिर्ची का, तो वो शायद तैयार हो गया है, करीब 15 दिन हो गए हैं इसको। तो आज मैं इसे ट्राई करता हूँ कैसा हो रहा है। सो निहारिका ने आज बनाया मेरा फेवरेट राजमा चावल, क्योंकि मैंने इसे आज गाड़ी डांस गया ना, तो फेवरेट राजमा चावल बनाया हुआ है अपने गुरु को वो करने के लिए, क्या खुश करने के लिए। तो मैं कहूँगा राजमा चावल। पापा का है आज व्रत, संकट का आज है संकट, संकट का है पापा का व्रत। मम्मी मैं और निहारिका खाइए खाना। तो पहला स्टूडेंट को हमने दे दिया शिक्षा, दूसरा स्टूडेंट हमारा आ गया है। हाँ मम्मी तुमने अपना वीडियो खुद अपलोड किया ना? किया भी थोड़ा। हाँ आज मम्मी ने अपना वीडियो थोड़ा बहुत अपलोड किया है। मम्मी का है कि जैसे हम लोग डालते हैं टाइटल डाल देते हैं, टैक्स वगैरह डाल देती है, लेकिन उसके बाद वो होती ना आगे वाली प्रोसेस होती है, चेकिंग वाले एड्स वाले लैपटॉप में वो आता है सीरियल वाइज 5-6 स्टेप होते हैं। मम्मी को बस वो थोड़ा बहुत समझाना है, तो मम्मी को भी वो जल्दी आ जाएगा। मैंने आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मैंने आपको बोला था, तो संडे से मम्मी हो जाए पूरा सीख जाए, नहीं भी सीखेगी तो कोई बात नहीं, हम उसे पूरे महीने भर सिखा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। तो कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।